हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे आपके जो सभी के जो है पौधों पर जो है इस समय जो है बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में जो है मैली बग्स का जो है हमला हो चुका है और जो है बहुत ही समय जो है वो हमला भी होता आ रहा है। तो इसी के जो है मैंने आज वो इसी का उपाय के लिए जो मैंने आपके लिए है ये वीडियो जो है बनाई है, जिसमें कि मैं आज आपको कुछ घर पर ही जो है आप हल्के फुल्के जो है इसको ट्रीटमेंट से जो है इसके वो एक दो दिन के अंदर ही इसको जो है आप आसानी से अपने पेड़ पौधों से जो है इसको जो आसानी से हटा सकते हैं। तो इसके लिए जो है आप बने रहें वीडियो में, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है हमारा गुलहड़ का जो है पौधा है, गुलहड़ के जो पौधे पर है यहाँ पर हमारे मेली बग्स का जो है बहुत ही ज़्यादा हमला हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसको जो सबसे ज़्यादा इधर उधर जो पहुँचाने का कार्य करती है ना वो यहाँ पर जो चींटियाँ करती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ये चींटियां जो है किस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके पेड़ पेड़ पौधों पर जो है हमारे हमला करती हैं। इससे जो है चींटियां एक पौधे से जो है आपके जो है मेलीबग्स के अंडों को जो है इनके पैर वगैरह में जो है अटक करके वो चले जाते हैं और एक जगह से दूसरे भी जो है हमारे पौधे पर वो चले जाते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको इधर दिखा देता हूँ, इधर भी जो है हमारे मेलीबग्स के जो है कीट जो है ये इस पौधे पर भी हमारे आ चुके हैं। और यहाँ पर भी आप अगर देखें, कैमरा यहाँ पर फोकस नहीं कर पा रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो है हमारे इस पौधे पर भी जो है चींटियाँ जो है आपको देखने को नज़र आ रही हैं। ये जो है यहाँ पर भी देख सकते हैं इस टहनी पर भी जो है इतनी पतली सी, यहाँ पर भी जो है हमारे जो है चींटियाँ हैं। ये जो चींटियाँ हैं ना ये पौधों से जो है इधर से उधर करती रहती हैं, तो इनको जो है ये बहुत ही जो है शौक से जो है इनको मेली बग्स को जो खाती हैं, तो इसकी वजह से जो है हमारे जो पौधा है इस पर जो है चींटियाँ आ जाती हैं और एक पौधे से दूसरे पौधे पर भी इसको ले जाती हैं और आपके हेल्दी जो पौधा है उसको भी जो है मेली बग्स को भी वहाँ पर ले जाती हैं और उसको भी जो है ख़राब करवा देती हैं। यहाँ पर भी आप जो है देख सकते हैं इसकी भी जो है यहाँ पर देखो इसके पत्ते के नीचे भी आप जो है देख सकते हैं कितनी चींटियां और कितने जो है मैली बक्से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसका जो है बहुत ही सिंपल और साधारण सा इलाज है। अगर आपके पास डिटर्जेंट जो पाउडर होता है, हमारा जो सर्फ होता है, वो अगर आपके पास जो है मौजूद है तो आप वो ले सकते हैं, और अगर वो आपके पास नहीं है तो घड़ी का जो साबुन होता है, आपके जो बर्तन जिसे साफ किए जाते हैं आपके पास में, वो जो है साबुन अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप जो है उसको भी ले सकते हैं, वो जो है तोड़ देता है और ये जो है फिर हमारे जो मेली बक्स हैं ये खत्म हो जाते हैं। जैसे कि आप हमारा डिटर्जेंट सर्फ जो होता है, सर्फ हमारा सर्फ जो है इसके जो है कीटों को जो है इनको जो है खत्म कर देता है और वो इनको मार देता है। तो आप अगर लगातार दो दो तीन दिन तक अगर अपने पौधों पर इसका इस्तेमाल करते हैं सर्फ का, आपको एक सर्फ लेना है, एक लेना है आपको आपको हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड है उसको जो है आप एक स्पून आपको जो है डिटर्जेंट पाउडर की ले लेनी है, और आपको हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड है उसको जो है आपको 20 ml ले लेना है, और आपको 2 L पानी में जो है इसको घोल लेना है और आप उसको जो है अपने तेज धार से जो है आपको अपने पौधे पर जो है स्प्रे कर देना है। और अगर आप जो है अगर आप उसको 1 L में मिलाना चाहते हैं तो 10-12 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लीजिए और आधा स्पून जो है अपना डिटर्जेंट पाउडर ले लीजिए। तो इससे जो है आप अपने हिसाब से जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आपको जितना जितना यूज़ में लेना है आपको अपने पौधे के हिसाब से आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी वाली वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।